पब्लिक टीवी आपकी आवाज। श्री गांधी आश्रम के कर्मचारियों ने गांधी आश्रम में अपनी मांगों को लेकर जोरदार नारेबाजी कर अपना विरोध जताया। सेवानिवृत्त कर्मचारियों ने बताया कि उनका प्रोविजनल फंड के अलावा रुका हुआ पैसा अब तक नहीं मिला, जिसके कारण 50 से 60 कर्मचारियों की बेटियों की शादी नहीं हो पाई है, जिसके कारण श्री गांधी आश्रम कर्मचारी सभा के लोग खासा परेशान है। उन्होंने कहा कि वैसे तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बेटियों के भविष्य के लिए बहुत कुछ कर रहे हैं, उसके अलावा उसके बाद भी हमारी बहन बेटियों की शादी नहीं हो पा रही है। इसमें श्री गांधी आश्रम के कर्मचारी सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहे हैं। अगर हमारी मांगे नहीं पूरी की गईं, तो हम उग्र आंदोलन करेंगे। इस दौरान सुभाष शाही, प्रभाकर उपाध्याय, आनंद राम कश्यप, परमहंस यादव आदि लोग मौजूद रहे। श्री गांधी आश्रम कर्मचारी सभा का मैं मंत्री बोल रहा हूँ। हमारी मांगे हैं 15 करोड़ रुपया प्रोविडेंट फंड में अनियमितता की गई है, 6 करोड़ रुपया ग्रेजुटी हम लोगों का बकाया है, 5 करोड़ रुपया बकाया वेतन है, 23 लाख रुपया आरसी की रकम बकाया है, प्रबंध तंत्र हम लोगों को पैसे पर खेल रहा है, और आज हम सेवानिवृत्त 140 कर्मचारी सड़कों पर विवश हैं बैठने के लिए। प्रबंध तंत्र तानाशाही रवैया अपनाया हुआ है। जब तक हम लोगों का प्रोविडेंट फंड बकाया वेतन और ग्रेजुटी की रकम नहीं मिल जाती है, हम आर पार की लड़ाई लड़ने को तैयार हैं। हमारे साथ जिला ट्रेड यूनियन के सभी इन्होंने भाग ले रही हैं और हमारा सहयोग कर रही हैं, और हमें पूरी उम्मीद है कि हमें एक एक नए पैसे का हिसाब इनसे लेना है। जब तक हमारा हिसाब देंगे नहीं, तब तक हम धरना प्रदर्शन जारी रहेंगे।